किया, उसकी महिमा करने का। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप मेरे साथ में परमेश्वर का वचन निकाल लीजिए, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 128 वर्सेस 1-6, भजन संहिता की पुस्तक उसका 128 अध्याय और एक आयत से लेकर 6 तक। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 128 वर्सेस 1-6, भजन संहिता उसका 128 अध्याय और एक आयत से लेकर 6 तक में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इसराइल को शांति मिले। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा प्रभु का भय मानना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, फेयर द लॉर्ड, प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना, फेयर द लॉर्ड, ये मेरे यहाँ से बोलने का शीर्षक है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में कहा, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर वो चलता है और वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और उसका परिवार आशीषित होगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहा, और उसकी स्त्री जो है फलवंत दाखलता जैसी होगी और उसके बच्चे जलपाई के पौधे के जैसे होंगे। परमेश्वर के वचन में बोला कि जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। परमेश्वर के वचन में बोला, भाई ने देखो, जब परमेश्वर का हम डर मानते हैं, उस प्रभु का हम भय मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए आशीषित करेगा। परमेश्वर के वचन में बोला कि परिवार आशीषित होगा जो यहोवा का भय मानेगा, जो प्रभु का भय मानकर चलेंगे वो आशीषित होंगे, उनका परिवार आशीषित होगा। लेकिन यदि अपनी इच्छा अपनी मर्जी में चलेंगे, परमेश्वर का डर भय है नहीं है, संसार का गलत काम करेंगे, पाप में जीवन जिएंगे, ऐसे लोग कभी भी आशीषित नहीं होंगे। बोलने को चर्च में आते हैं, लेकिन यदि अपना इच्छा अपनी मर्जी करेंगे, अपना मन मर्जी में चलेंगे, भय विचार करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐस मौज करेंगे नाम के लिए चर्च में आना, ऐसे लोग कभी भी आशीषित नहीं होंगे, उनका परिवार आशीष में नहीं बनेगा, परिवार आशीषित नहीं होगा, ना उनके बच्चे सही बनेंगे, ना उनका पत्नी ठीक होंगे, ऐसे ही जीवन होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में बोला कभी वो परिवार आशीषित नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर का भय, प्रभु का जब भय मानकर चलते हैं तो आशीषित होंगे। इसलिए आज की सुबह मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु का भय मानकर हमारे लिए चलना चाहिए, क्योंकि उस खुदा को हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को हम विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमारा अपना इच्छा अपनी मर्जी में हमारे लिए नहीं चलना चाहिए। पाप से हमें, संसार के कामों से, बुराई से हमें नफरत करना चाहिए, हमारा चाल चलन प्रभु में सही होना चाहिए। परमेश्वर ने जो बातें हमारे लिए बोला बाइबल में, जो आज्ञा प्रभु ने दिया है, हमारे लिए मानकर हमें चलना है, उसके मार्ग में हमारे लिए बने रहना है। व्यवचार से खाना पीना ये सब मौज मस्तियाँ करना हमारे लिए जो कि अलग चीज़ों से रहना चाहिए। तो प्रभु के वचन में बोला कि देखो, हम आशीषित होंगे उस खुदा का हम भय मानकर चलेंगे, यीशु मसीह का जब हम भय मानकर चलेंगे तो हम आशीषित होंगे। बहुत सारे लोगों का परमेश्वर का डर है नहीं, चर्च में तो जाते हैं, नाम के लिए चर्च में आते हैं, चलो हम तो क्रिश्चियन है, ईसाई है बोल के, लेकिन चर्च के बाहर तो उनका जीवन संसार के जैसा ही होता है, अपनी इच्छा अपनी मर्जी में चलते हैं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी में करते हैं, ऐसा लोग कभी उनका परिवार आशीषित नहीं होगा। इसलिए भाई बहन देखो, जब प्रभु का जो डर भय मान कर चलते हैं, प्रभु के पास में जो लोग आते हैं उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो परिवार आशीषित होंगे। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें जो है कि प्रभु का भय मानकर बुरी संगति से हमारे लिए अलग रहना चाहिए, गलत संगति से हमें अपने अपने आप को हमें बचाव करना चाहिए, ऐसे लोगों से हमारे लिए
अलग रहना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है साम्स चैप्टर 1:1-3 में, भजन संहिता की पुस्तक उसका 1:1-3 में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और वो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, रात और दिन उसमें ध्यान करता रहता है। वो ऐसे वृक्ष के समान होगा जो नाली के किनारे में लगाया गया है और इसके पत्ते भी कभी मुरझाते नहीं है और वो अपनी ऋतु में अपने समय में वो फल देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और वो उसके काम पर आशीष होगी, परमेश्वर के वचन हो बोला कि जो भी वो काम करेगा वो सफल होगा। इसलिए भाई बहन आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर का डर भय मानकर हमारे लिए चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हमें मानना चाहिए। इसको रात और दिन हमारे लिए ध्यान करना, इसको हमारे लिए पढ़ाई करना, सुनना हमें चाहिए। परमेश्वर का डर हमारे लिए मानना चाहिए और हमें गुरु संगति से गलत संगति से हमारे लिए अलग रहना चाहिए। यही परमेश्वर के वचन में बोला कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ऐसे संसार के हमें वो बुरे लोगों से जो हंसी मजाक ठट्टा करने वाले लोग, बुरा काम करने वाले लोग, खाने पीने वाले लोग, दुनियादारी में चलने वाले लोगों से हमें अपना बचाव करना चाहिए, अलग हमारे लिए रहना चाहिए और प्रभु के वचन को हमें ध्यान करना चाहिए, प्रभु के साथ में हमारे लिए संगति करना चाहिए। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ तो वो आशीषित होंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। बोला कि जो बहती हुई नाली के किनारे में जो वृक्ष लगा होता है हरा भरा रहता है, वो पानी उसके लिए मिलता रहता है, उसके पत्ते भी मुरझाते नहीं और अपने समय पे उसमें अपनी ऋतु में फल भी लगता है, ऐसा हम आशीष पाएंगे। प्रभु वचन बोला कि काम पर हमारे आशीष होगी, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ जो बातें प्रभु ने हमारे लिए बोला है वचन में, हमारे लिए पालन करना चाहिए, हमारे लिए मानना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु ने हमारे लिए दिया है हमारे लिए मानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखो जो जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम करता है। इसलिए प्रभु के वचन में बोला John 14:21 यूहन्ना की पुस्तक उसका 14:21 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वो उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमारे लिए आज्ञा दिया, मसीह लोगों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हमें आज्ञा दिया, हमें दुनिया के बुरे कामों से अलग रहना, संसार के पाप के गलत कामों से हमारे लिए नफरत करना, अलग हमारे लिए रहना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए ये आज्ञा दिया है तभी हम बोल सकते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। यदि हम अपना इच्छा अपनी मर्जी में चलते हैं, जीवन जीते हैं दुनियादारी के जैसे हम करते हैं, दुनिया के लोगों जैसे, हम नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो वो तो फिर झूठ हो जाता है, झूठ हो गया। अरे हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम चर्च में आते हैं, हम प्रभु को विश्वास करते हैं, वो झूठ हो जाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तभी हम उससे प्रेम करते हैं। यदि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, अपना इच्छा अपनी मर्जी में चलते हैं, जीवन जीते हैं, जो दिल में आता है वही करते हैं संसार के लोगों के जैसे, तो ये तो गलत हो जाता है, ये तो झूठ है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं बोलना। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को हमारे लिए मानना चाहिए। जो प्रभु ने हमारे लिए बोला है उसका डर हमारे लिए मानना चाहिए, प्रभु का डर हमें होना चाहिए तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। इसलिए भाई बहन हमें अपनी हमारा चाल चलन प्रभु में अच्छा होना चाहिए, अच्छा चाल चलन हमारे लिए जीना चाहिए, हमारा सही चाल चलन प्रभु में होना चाहिए, अच्छा जीवन प्रभु में उदाहरणीय जीवन हमारे लिए जीना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने चाल चलन पर ध्यान करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है Haggai 1:5-6 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे की पुस्तक उसका 1:5-6 में, Haggai 1:5-6 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, आगे उसका 1:5-6 में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा, तुम खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम कपड़े पहनते हो लेकिन तुम गर्माते नहीं हो, तुम कमाई करते हो काम करते हो लेकिन छेद वाला जो है कि जेब में तुम पैसे डालते हो, सब ऐसे ही चले जाता। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है भाई,
कि हमें अपने चाल चलन पर हमारे लिए ध्यान करना चाहिए, इस तरीका से हम चाल चलन प्रभु में चल रहे हैं। यदि हम सही चाल चलन हम चलेंगे तो हम आशीषित होंगे। हाँ, हम जो परमेश्वर के मतलब लिखा है कि बहुत बोएंगे तो थोड़ा काटते हैं, जो मतलब सही तरीका से चाल चलन नहीं है बहुत ज़्यादा वो काम भी करेंगे लेकिन आशीषित नहीं होंगे। बहुत बोएंगे मतलब थोड़ा काटेंगे, उनका चाल चलन सही नहीं है। यदि हमारा चाल चलन प्रभु में सही है तो जो परमेश्वर हम जो बोएंगे हम वो काटेंगे, परमेश्वर हमारे कामों पर ज़्यादा कमाएंगे तो ऐसा नहीं कि थोड़ा हमारे पास में रह जाए, ज़्यादा हम कमाएंगे तो परमेश्वर ज़्यादा हमारे लिए आशीषित करेगा। हम खाएंगे हमारा पेट भी भरेगा, पहनेंगे हम गर्माएंगे भी, कपड़ा भी हमारा गर्म रहेगा, गर्म गर्माएंगे हम। इसलिए भाई बहन परमेश्वर के वचन में बुला हमें परमेश्वर की बातों को हमारे लिए मानना चाहिए, हमारे लिए ध्यान करना चाहिए भाई। इसलिए आज प्रभु के वचन से और आशीषित होंगे, पैसा भी हमारा रुकेगा, ऐसा नहीं हमने कमाया सब हमारा रुकेगा, ऐसे ही कोई किधर निकल गया कहीं किसी में लग गया ऐसे सब हमारा पैसा निकल गया, जे छेद वाली जे थैली में डाला हमने बस निकल गया। हमारे काम पर पैसों पर परमेश्वर हमारे आशीष देगा, धन दौलत पर हमारे आशीष होगी। इसलिए आज प्रभु के वचन से मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ कि हमारा चाल चलन प्रभु में सही होना चाहिए, तभी हम आशीषित होंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं तो हम एक लंबा जीवन जीने पाएंगे, लंबा जीवन हमारा होगा। लेकिन प्रभु का जो डर भय नहीं मानते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, थोड़े दिनों में पाप करते रहते हैं, अपना इच्छा अपना मर्जी में जीवन जीते हैं, अपने जीवन को खत्म भी कर लेते हैं। इसलिए जब प्रभु का भय मानते हैं तो परमेश्वर लंबी उम्र देता है, बुढ़ापे तक भी जीते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है Proverbs 10:27 नीति वचन की पुस्तक 10:27 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जब परमेश्वर का डर मानते हैं तो हमारा उम्र को परमेश्वर लंबा करता है, बुढ़ापे तक भी लेकर जाता है, पूरा उम्र में जाकर खत्म होते हैं। लेकिन जो अपना इच्छा अपना मर्जी में चलते हैं और दुष्ट लोग जो होते हैं प्रभु को विश्वास नहीं करते, उसका भय नहीं मानते हैं, चलो कोई परमेश्वर है नहीं बोलते हैं, कहाँ है परमेश्वर, कोई खुदा नहीं, खाओ पियो ऐश करो, अपना इच्छा करो, अपनी मर्जी करो, दुनिया में आए हैं खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं ऐसे दुष्ट लोग, कोई प्रभु है नहीं, प्रभु को जानते नहीं, विश्वास नहीं करते, अपना इच्छा अपनी मर्जी में जीते हैं कि हम ही सब कुछ है। ऐसे लोग जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनका जीवन थोड़े दिनों का होता है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु का डर भय मानकर चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए लंबा जीवन प्रदान करता है, लंबी आयु परमेश्वर उन्हें देता है, उनके जीवन के लिए आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का डर भय मानकर चलते हैं, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए करता है, धन दौलत महिमा सब कुछ आशीष परमेश्वर जीवन हमारे लिए देता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है Proverbs 22:4 में नीति वचन उसका 22:4 में लिखा है कि यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ धन दौलत सब कुछ महिमा परमेश्वर देता है, जीवन हमारे लिए देता है, जब उसका डर मानकर हम चलते हैं। इसलिए भाई मैं आज प्रभु के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमें पाप में हमारे लिए जीवन नहीं जीना चाहिए, पाप से हमारे लिए अलग रहकर हम मसीह लोगों के लिए चलना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। एक बार हम हमारा जो पापों के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में उठा लिया है, दोबारा हमें उस पर काट पर बार बार उसके लिए नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं लटकाना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है तब हम आशीषित होंगे, अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है Galatians 3:13-14 में, गलतियों की पुस्तक उसका 3:13-14 में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मसीह जो हमारे लिए एक बार वो श्रापित बना, हमारे लिए वो काट पर लटकाया गया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में होकर अन्य जातियों तक पहुंचे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भाई। हम यहूदी लोग नहीं हैं, हम अन्य जाति से आए हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को भी आशीषित करेगा, आशीष हमारे लिए देगा, अब्राहम की आशीष हमारे जीवन में भी मसीह यीशु में होकर हमारे जीवन में भी परमेश्वर आशीष देगा, जब हम पाप से अलग रहेंगे, क्योंकि एक बार प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। कलवरी क्रूस बार बार हमें काट कर उसके लिए नहीं लटकाना चाहिए, कलवरी क्रूस दोबारा हमारे लिए नहीं चढ़ाना, हमारे लिए पाप से हमारे अलग रहना चाहिए। इसलिए प्रभु के वचन बोला कि हम आशीषित होंगे जब परमेश्वर का हम प्रभु का भय मानकर चलेंगे, यीशु मसीह का डर मानकर हम चलेंगे। तो परिवार के लिए यहाँ पर बोला कि देखो जब तुम यहोवा का भय मानकर चलोगे और उसके मार्गों में चलोगे तो तुम आशीषित होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा परिवार सब
आशीष होकर हुआ परमेश्वर के वचन बोला तुम्हारे काम पर आशीष हो। इसलिए हमें उस प्रभु का यीशु मसीह का डर मानकर हमारे लिए चलना चाहिए, उसका भय मानकर हमारे लिए चलना है, तो हमारा जीवन परिवार आशीषित होगा, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा। ये प्रभु का वचन है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।